हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर जो कि रियल नंबर होगा। और रियल नंबर जानने से पहले हमने कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है जिसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आप इस डिफिनेशन को ध्यान से देखें और इसको कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर होते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, ऐसे तो नंबर सारे को काउंट कर सकते हैं, बट काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इट इज सी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचुरल नंबर जो है वन से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटिव तक होगा, इसमें जीरो नहीं होगा। सेकेंड है होल नंबर। होल नंबर में लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर टूगेदर विथ जीरो फॉर्म। ऑल नेचुरल नंबर तो होगा, नेचुरल नंबर अभी हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर में होगा, बट उसके साथ साथ जीरो भी रहेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम एग्जांपल लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इटी सी आर ऑल नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसमें जीरो के साथ साथ ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर भी उसके साथ हो, उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ये हुआ कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, और होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें केवल एक डिजिट जो है हमारा जीरो बढ़ जाता है होल नंबर में, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। थर्ड नंबर देखेंगे इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी जितना भी नेचुरल नंबर है वो पॉजिटिव में भी और निगेटिव में भी, और उसके साथ साथ जीरो भी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए -5, -4, -3, -2, -1, यानी माइनस में इधर भी हमारा डॉट डॉट होगा, माइनस में भी ऑल नेचुरल नंबर उसके साथ साथ जीरो, और फिर उसके बाद प्लस में भी नेचुरल नंबर, यानी माइनस प्लस और उसके साथ साथ जीरो भी, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ऑल इंटीजर्स। यहां पे नोट करके कुछ लिखे हुए, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितना भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंटीजर होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में भी है, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस में भी है, और इसके साथ साथ जीरो है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर भी होगा। सेकंड में लिखे हैं एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, और होल नंबर भी जो है वो भी हमारा इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो अवेलेबल है और इसमें भी जीरो अवेलेबल है। तो आप इतने पार्ट को लिख लें। अब हम देखेंगे रियल नंबर में एक्सरसाइज 1A, जो कि हमारा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा, और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस में हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स क्या होता है उसको बताया। इसको अब हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर रेशनल नंबर, गिव 10 एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। यानी पूछा जा रहा है कि रेशनल नंबर क्या होता है ये हमें बताना है, और इसका 10 एग्जांपल हमें देना है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर का डेफिनेशन लिखे हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स अभी हम आपको बताए हैं कि वैसा इंटीजर जो माइनस में भी कोई डिजिट हो, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और प्लस में भी डिजिट हो, वैसे डिजिट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो पी और क्यू जो है वो इंटीजर है, बट यहां पे एक चीज देने वाली बात ध्यान ये है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी क्यू जो है इंटीजर तो होगा, बट ये जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। आर नोन एज रेशनल नंबर। तो जो भी फॉर्म हो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, बट वहां पे क्यू जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ रिमार्क किए हुए हैं। फर्स्ट नंबर किए हुए, जीरो इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट एज जीरो इक्वल टू 0/1। ये हमेशा MCQ में पूछे जाते हैं कि जीरो जो है ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 0/1 लिख सकते हैं। तो जीरो यहाँ पे फर्स्ट में बताया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो क्यू यहाँ पे वन है, जीरो नहीं है, बट पी जो है वो जीरो हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लिखते हैं 0/1। तो जीरो एक रेशनल नंबर है, बट यही डिजिट यदि ऐसे कर दिया जाए 0/1 है और ये 1/0 कर दिया जाए तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि क्यू हमारा जीरो हो जाएगा। सेकेंड है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट एट। जो भी नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर अभी हम आपको बताएं काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट, जीरो छोड़ के जो भी काउंटिंग नंबर होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो, 1 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/1, 2 हो तो उसको लिख सकते हैं 2/1, 3 हो तो 3/1, 4 हो तो 4/1। तो
जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे हमारे रेशनल नंबर है। थर्ड में लिखे हुए हैं एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक इंटीजर जो है हमारा रेशनल नंबर है। बट वहां पे ध्यान देने वाली बात तो ये होगी, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि क्यों वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, सिंस एन इंटीजर्स ए कैन बी रिटेन एज ए बाई वन। जैसे यहां पे 10 एग्जाम्पल हमसे पूछा जा रहा था, तो अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 by 1, 2 by 2, कुछ भी, 3 by 1, 4 by 6, -5 by 8, -9 by 6, 0 by 1, जितना आपको मन करे उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे 10 पूछा जा रहा है, 100 भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 और लिख लेते हैं, 6 by 5, 8 by 6, तो ये 10 इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में बोला जा रहा है प्रेजेंट इच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रेशनल नंबर हमें गिवन है उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बहुत आसानी होता है, फर्स्ट को हम कर लेते हैं, ये हमारा जगह जीरो, इधर का जो हमारा जो राइट हैंड साइड है उधर प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर भी लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6। 5 को रिप्रेजेंट करना था तो हमारा 5 ये हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, जरूरी नहीं होता, आप चाहें तो कर सकते हैं। नंबर सेकंड देखेंगे, -3 है, अगेन इसको भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ये याद रखिएगा कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उस तरफ पॉजिटिव होता है और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो -3 यहाँ पे है, इसको भी हम चाहें तो नाम रख सकते हैं ए डैश, इसको ए कर लेते हैं, इसको ए डैश, बी डैश, सी डैश, कोई भी नेमिंग रख सकते हैं। अब नंबर 3 हम देखेंगे, 5 by 7 है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 by 7 जो है हमारा, ये हमारा 1 से कम और 0 से ज़्यादा होता है। तो इसको कुछ ऐसे हम कर सकते हैं, ये पॉइंट देगा इसको 0, 7, यानी ये 0 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी नंबर लाइन हम डिनोट करें, यहां पे हम कर लेते हैं 0 और यहां पे कर लेते हैं 1, इधर हो जाएगा हमारा -1। तो 5 by 7 है तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, 1 by 7, 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, ...... इधर दिखा लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा -1 by 7, -2 by 7, -3 by 7, -4 by 7, ...... तो हमें दिखाना है 5 by 7 प्लस में। तो 5 by 7 जो है हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा। नेमिंग रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। अगेन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 8 by 3 है, यानी हमारा 2 से ज़्यादा होगा और 3 से कम होगा। इसको चेक करने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं, 8 है तो ये 2 बार में 6, ये हो जाएगा 2.0, यानी ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो इसको यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 0, 1, 2 और यहाँ पे कर लेते हैं 3। यही हमें ध्यान देना है कि किसके बीच में है, तो ये 2 और 3 के बीच में है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं -1, -2, -3। तो 8 by 3 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, 1 by 2, 2 by 2, 3 by 2, सॉरी 3 है ना, तो 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3, 4 by 3, 5 by 3, 6 by 3, 7 by 3 एंड 8 by 3। यहाँ पे माइनस में भी एक दो दिखा लेते हैं, -1 by 2, सॉरी यहाँ पे 3, -2 by 3, -3 by 3, ...... यहाँ पर भी हमारा ...... होगा। तो 8 by 3 हमें रिप्रेजेंट करना था, तो वो कुछ नंबर यहाँ पे है, नेमिंग रख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अगेन हमसे बोला जा रहा है 1.3, तो 1.3 जो है 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, ये तो आपको साफ साफ पता भी चल रहा होगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 0, 1 और 2, चूँकि 1 और 2 के बीच में होगा, ये हो जाएगा -1, -2। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 .. -1.1, -1.2 .. तो 1.3 हमें रिप्रेजेंट करना है, तो 1.3 यहाँ पे होगा हमारा ये, यहाँ से नेमिंग रख लेते हैं ए बी सी डी ई। तो ये जो हमारा पांच क्वेश्चंस है, आप पांचों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो ये है -2.4, तो ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, निगेटिव में है, ये ध्यान में रखने वाली बात होगी। ये हो जाएगा 0, 1, 2 से ज़्यादा है एंड 3 से कम है। इधर भी दिखा लेते हैं -1, -2 एंड इसको कर लेते हैं -3। तो चूंकि निगेटिव वाला दिखाना है तो इसको लिखते हैं -2.1, -2.2, -2.3, -2.4 .. यहाँ पे 2.1, 2.2 .. तो 2.4 माइनस में हमें दिखाना है, 2.4 जो है यहाँ पे है, नेमिंग रख लेते हैं ए बी डैश कर लेते हैं सी डैश ई डैश एफ जी एच, कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट ए बी सी डी भी रख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम देखते हैं किसके बीच में है, तो ये लगभग 23/6 है, यानी ये 4 से कम है और 3 से ज्यादा है। इसको चेक करने के लिए ऐसे कर सकते हैं 23 है तो ये 5 हो जाएगा, पॉइंट देगा इसको 0, आप देख सकते हैं 3.8, यानी 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो इसको यहां पर दिखा लेते हैं 0, 1, 2, 3, 3 और 4 के बीच में है, -1, -2, -3, -4, तो 3.8 दिखाना है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, आगे .. लगा लेंगे, यहाँ पर भी -3.1, -3.2, ... तो 3.8 यानी 23/6 हमें दिखाना है, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे जो है उसको रिमार्क कर लेंगे, यहाँ पे नेमिंग दे लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, और यदि ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी इसको दिखा सकते थे, 3 पॉइंट में हम लेके दिखाए हैं, आप इसको चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 ऐसे भी दिखा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, 23 तक जाना पड़ेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लें।